आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम सुदामा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप गूगल मैप कैसे यूज कर सकते हैं, इससे आपको अपना लोकेशन कैसे पता करना होगा और आप किसी लोकेशन पे कैसे जा सकते हैं, अपना लोकेशन शेयर कैसे कर पाएंगे और आसपास की चीजें इस पे सर्च कैसे कर पाएंगे, जैसे आपके आसपास एटीएम, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब कैसे पता चलेगा, ठीक है। और एक जबरदस्त इसका फीचर आया है जिसमें कि आप एकदम हूबहू आप अपने घर के आसपास का जो मैप होता है वो देख सकते हैं, आपका घर किस तरीके से दिख रहा है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नया फीचर अभी ऐड हुआ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ गूगल मैप यूज कैसे करना है और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर। तो ये आपके फोन में इनबिल्ट आता है। अगर मान लीजिए आपके फोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो इसे अपडेट का ऑप्शन आया तो अपडेट कर लीजिएगा। सिंपल सा इसका ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का मैप ओपन होके आ जाएगा और आपको अपना लोकेशन फाइंड करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। सिंपल सा, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट लोकेशन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है ये आपका करंट लोकेशन है, ठीक है। अब आपको कहीं जाना है, अगर आपको कहीं जाना है और आप एक लोकेशन फाइंड कर रहे हैं कि आपको एक लोकेशन दिखाई दे मैप पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो ऊपर सर्च हियर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। आप जहां भी जाना चाहते हो आप यहाँ पे अपना लोकेशन एंटर करोगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा अपना लोकेशन तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा सजेशन में शो करने लगेगा, और आप चाहे तो डायरेक्ट अपना फुल जो लोकेशन है वो एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लक्ष्मी नगर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको मेट्रो स्टेशन जाना है, बस स्टॉप जाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लक्ष्मी नगर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो चार ऑप्शन आएगा। चार ऑप्शन क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा, या आप डायरेक्ट मैप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जहां जाना है मैप स्टार्ट हो जाएगा, इसे सेव करके रख सकते हैं, और या ये किसी को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या ऑप्शन है, किस तरीके से काम करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्शन वाला बताता हूँ। इस वाले ऑप्शन से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा, आप जिस लोकेशन पे जाने वाले हैं उसका एकदम ओरिजिनल व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो फिलहाल हम डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं। डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन आएगा, कार से अगर जाना है, बाइक से जाना है, बस से जाना है या पैदल जाना है। तो आपको चारों लोकेशन दिखाई देगा, टाइमिंग दिखाई देगी, जैसे कार से आपको 20 मिनट लगेगा, बाइक से 17 मिनट, बस या ट्रेन से जाएंगे तो 38 मिनट, और अगर आप पैदल जाते हैं तो 1 आवर 33 मिनट लगेगा, और आपको यहाँ पे टोटल 6.7 किलोमीटर जाना है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं, आपको जिस तरीके से जाना है आप यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका लोकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरीके से जाएगा, जैसे जैसे जाता रहेगा आप चलते रहेंगे आपको बताता रहेगा लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा बताता रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है यानी कि यहाँ पे हल्का सा जाम है, अगर ये रेड कलर होगा यानी ज्यादा जाम है, ये आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। येलो मतलब मॉडरेट जाम, और जो आपका रेड होगा वो ज्यादा जाम होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आप कहीं भी लगता है कि आप मैप नहीं समझ आ रहा तो फिर रीसेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर वहीं से मैप स्टार्ट हो जाएगा और फिर वैसे ही ये देख रहे हैं एरो चलने लगेगा। तो यहीं पे आपको स्पीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप स्पीकर ऑन कर देंगे तो आपको बताएगा कि अभी आपको कहाँ जाना है, ठीक है। और जब भी चाहे स्पीकर आप बंद कर सकते हैं, स्पीकर से आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो बोलता रहेगा, ठीक है। तो बैक चलते हैं, आपको मैं कुछ और डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आपको डिफॉल्ट है सैटेलाइट, सैटेलाइट व्यू भी आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सैटेलाइट व्यू यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। आप इसे जूम करके देख सकते हैं तो आपको एकदम सैटेलाइट आपका घर जिस तरीके का है ऊपर में पार्क वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सैटेलाइट व्यू हो गया ये वाला। अगर अब आपको यहाँ पे कुछ सर्च करना है, जैसे आपके आसपास होटल, एटीएम, तो आप यहाँ पे सिंपल से आएंगे और सर्च करेंगे होटल नियर मी, ठीक है। जैसे आप होटल नियर मी सर्च करेंगे तो आपके आसपास जो भी होटल होगा यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे एबिलिटी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्राइस भी दिखा रहा है, प्राइस अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट चेक करना है, रेस्टोरेंट नियर मी,
यहाँ पे देखिए आसपास में मेरे जितने भी रेस्टोरेंट है वो सब यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास में जो भी चीजें हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना लोकेशन किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा करेंट लोकेशन ये है, मैं इस पर क्लिक करूंगा कि मेरा करेंट लोकेशन आ गया। अब मैं इस लोकेशन को डायरेक्ट किसी को शेयर कर सकता हूँ, सिंपल से इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू। अब आप कितने टाइम के लिए इस लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, अगर 1 आवर से ज्यादा करना है तो प्लस पे करेंगे, उससे कम करना है तो माइनस पे करेंगे। तो मान लीजिए प्लस कर रहा हूँ 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इसके बाद ये लोकेशन शेयर होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। या आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है अनटिल यू टर्न ऑफ दिस, जब तक कि आप इसे टर्न ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये लोकेशन शेयर होता रहेगा। इस वाले में क्या, अगर आप भूल गए तो आपका लोकेशन शेयर ही रह जाएगा, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे टाइम दे दीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे शेयर करेंगे, सिंपल सा। अभी आपको यहाँ पे शेयर करने का बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, ईमेल से शेयर कर सकते हैं, फोन नंबर से कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे मैसेज और व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप पे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, शेयर, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे सिंपल सा और यहाँ पे कर देंगे शेयर। अभी आपका लोकेशन शेयर हो गया है, अब इस पे कोई क्लिक करके आपके लोकेशन तक पहुंच सकता है, अगर आप अपने किसी जानने वाले को लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो, ठीक है। और बैक आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने लोकेशन शेयर किया हुआ है और ये 1 आवर के लिए आप कभी भी इसे चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे अगर स्टॉप करना चाहते हैं, और यहाँ पे आ रहा है स्टॉप का ऑप्शन, सिंपल से स्टॉप कर देंगे। अब इसके बाद वो लोकेशन बंद हो जाएगा अपने आप ही, जब चाहे इसे आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा कि आप कॉग्निटो मोड को में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें प्राइवेट मोड होगा। इसके बाद आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यूट्यूब टाइमलाइन में क्या होता है कि आपने जब भी गूगल मैप यूज करा होगा कल परसों, अपने पूरे दिन में आप जहां भी गए होंगे सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यूट्यूब टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद टुडे, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस दिन का आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं आज जहां भी गया हूँ वो यहाँ पे आएगा, आज मैं एक बार घर से बाहर गया हूँ तो एक बार ही आ रहा है। मैं यहाँ पे टुडे की जगह एक दिन पहले कर देता हूँ, अगर मैं 29 का करता हूँ तो जहां भी गया हूँ वो सब यहाँ पे आएगा, मैंने साइकिल चलाया है, पैदल गया हूँ, बस से गया हूँ, सब यहाँ पे शो हो जाएगा, कितने किलोमीटर चला हूँ, कितनी विजिट करी है, ये सब आपको टाइमलाइन में देखने को मिलता है। इसके बाद आपको लोकेशन शेयर करना मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ऑफलाइन मैप, आप अपना जो मैप है ऑफलाइन भी सेव करके रख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑफलाइन मैप किया हुआ है सेव। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपका कहीं इंटरनेट बंद हो जाता है तो उसे आप सेव करके रखेंगे तो ऑफलाइन में भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑफलाइन में सेव करा, ये जब नेट नहीं होगा उस टाइम भी ये चलेगा। जैसे आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैप सेव करके रखें तो हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट योर ओन मैप, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप कितने दूर का लोकेशन सेव करना चाहते हैं आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका कितना डाटा यूज होगा वो भी आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो मैं अपने दिल्ली के आसपास का लोकेशन सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद ये सब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट यूज हो रहा है 355 MB, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब ये सेव होने लगा है, थोड़ा टाइम लेगा, नीचे दिखाई भी दे रहा है कितना परसेंट आपका सेव हो गया है, 25% के आसपास हो गया है, थोड़ा टाइम लेगा, आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मेरा ये लोकेशन सेव हो गया है, इस पर क्लिक करूंगा, ये अपडेट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट बंद करके फरीदाबाद का लोकेशन डाल के जो मैंने अभी सेव किया है। तो अपना वाईफाई बंद करता हूँ, अब यहाँ पे सर्च करूंगा फरीदाबाद। अब जैसे मैंने फरीदाबाद हरियाणा की, यहाँ पे देखिए ऑफलाइन का ऑप्शन आने लगा, यानी कि ऑफलाइन में भी ये लोकेशन शो होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फरीदाबाद इस वाले पे, इंटरनेट मेरा ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कार वाला लोकेशन सेव किया था, इसलिए मुझे कार वाले पे आ रहा है 52 मिनट, बाकी सारा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सिर्फ कार वाला लोकेशन सेव किया था। तो इस पे आऊंगा और मेरा ऑफलाइन में भी ये काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो ये दिखाएगा मुझे किस साइड जाना है, क्योंकि हमने इसे सेव करके रख लिया है अपने गूगल मैप के Head अंदर, south ठीक east, है। then turn right. और देखिए यहाँ पे बोलना भी स्टार्ट हो गया है, मैंने बोला सर थे आप स्पीकर ऑन करके रखेंगे तो आपको आवाज भी आएगा, ठीक है। तो आप इसे सेव करके रख सकते हो ऑफलाइन के लिए, खासकर उस जगह पे जहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है, आप वहां पे गए और आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वहां पे पहले से सेव करके ले जाइए अपने फोन में। अभी मैं आपको एक फीचर बताने वाला हूँ जिसमें कि आप किसी लोकेशन का मान लीजिए एड्रेस डाल रहे हैं कि कहीं जाना चाह रहे हैं और वहां पे आप देखना चाहते हैं कि घर किस तरीके का दिख रहा है। तो जैसे मैं आपको
एक लोकेशन दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम करेंगे जाने के लिए सर्च वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो जैसे सर्च हो गया, हम डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्शन भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वैसे देखिए आपको यहाँ पे 3D व्यू, एकदम ओरिजिनल व्यू जो होता है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, आपको एकदम ओरिजिनल व्यू दिखाई देगा। आप चाहे तो आगे की साइड भी जा सकते हैं, इसमें गली में मुड़ सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे मुड़ना है, ठीक है, उस साइड मुझे जाना है, मतलब इस साइड की तरफ जाना है मुझे मैप लेके, तो इस पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैप था वो मुड़ गया है, और इस तरीके से हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये आपको जो फीचर है आपको काफी अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि फीचर कैसा लगा है, गूगल का जो स्ट्रीट व्यू वाला ऑप्शन है गूगल मैप में, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ, इस ऑप्शन को आप यूज जरूर करिएगा। अब मान लीजिए कि आप जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो पता करें, तो कैसे किया जाए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बैठे आप गूगल मैप के थ्रू कर सकते हैं। ये एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एरो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपको योर लोकेशन है, आपको दिल्ली का लोकेशन हटा के यहाँ पे हरिद्वार करना है और यहाँ पे ऋषिकेश करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ हरिद्वार, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में कर दूंगा ऋषिकेश। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हरिद्वार से ऋषिकेश किया, मैं दिल्ली में बैठा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। 25 किलोमीटर दिखाई दे रहा है हरिद्वार से ऋषिकेश। यहाँ पे अगर मैं कार से जाऊंगा तो 37 मिनट लगेगा, बाइक से 35 मिनट, अगर मैं बस या ट्रेन से आता हूँ तो 1.5 आवर लगेगा, और पैदल जाने पर 4.31 आवर लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा घर बैठे बैठे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और स्ट्रीट व्यू वाला यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। आपको किस तरीके का ऋषिकेश दिखाई देगा वो यहाँ पे आपको देखने को स्ट्रीट व्यू पे मिल जाएगा, और आप अपने घर के आसपास का स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर बैठे गूगल मैप से कहीं का जो डिस्टेंस है, किसी भी जगह का डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस। तो गूगल मैप आपको किस तरीके से यूज करना है मैंने इस वीडियो में यही बताने की ट्राई करा है, और इसके बाद भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।